नमस्कार, ई फॉर यू एग्जाम दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कई दिन से मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेरी आई कि सर स्पेक्ट्रम कैसे पढ़े, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े और बाकी सारी चीजें कैसे पढ़े। मतलब जो भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, देखो पहली बात, ये सारी बुक एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम में काम नहीं आती। ठीक है, स्पेक्ट्रम का पर्पस सिर्फ यूपीएससी के बच्चों को सफल बनाना नहीं है, बीपीएससी के बच्चों को सफल बनाना नहीं है, या फिर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसको सफल बनाना नहीं है। बेसिकली उसका मेन काम है एक, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम, यानी कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज लेवल पे कोई एग्जाम है, इन सब में काम आने वाली बुकें हैं ये स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, आपका ये तुम्हारा लक्ष्मीकांत। बट समस्या क्या रहती है हम लोगों के साथ कि हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं और पहले पेज से पढ़ना शुरू करते हैं। आज सिर्फ बात स्पेक्ट्रम पे करेंगे कि स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ें कैसे। स्पेक्ट्रम पता है, राजीव अहिर सर की बुक है, राजीव अहिर सर की, ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, ठीक है, 800 पन्ने के अराउंड उसमें है। देखो अगर आपने पहले पेज से लेके पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बड़े ही आराम से बोर हो जाओगे। हाँ, नींद बड़ी अच्छी आएगी, मजा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा क्या सर आपने बेहतरीन बताया। मीन्स अगर कोई भी नींद आने की पिल्स खा रहा है तो उसको नींद आने की पिल्स खाने की जरूरत नहीं है, वो पहले पेज से स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू कर ले, वो बोर हो जाएगा। रीजन क्या है, वो कुछ ही बच्चे होंगे जो स्पेक्ट्रम को पहले पेज से पढ़ेंगे उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली में या तो उनका बेस हो हिस्ट्री वाला तब समझ में आता है, या उनको इंटरेस्ट हो। अधिकतर यूपीएससी में हुआ एस्पिरेंट आते हैं जिनका ह्यूमैनिटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस आते हैं और तैयारी करते हैं। और यूपीएससी के लिए नहीं है ये, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इनके लिए भी ये सजेशन आपका काम आएगा। और जो वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार भाई आप लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम इसे पढ़े कैसे। मतलब देखो मैंने भी जब पढ़ी तो बहुत बोर हो गया, उसके बाद आज मेरे को 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। शुरू में मैं भी बहुत बोर हुआ, बट मैं बता सकता हूँ कि बिना बोर हुए कैसे पढ़े, ठीक है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। ठीक है, मैं जिस प्रोसेस को बोलूंगा अगर आप वो फॉलो करते हैं तो स्पेक्ट्रम आपके टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी देखो पीछे बीपीएससी का एग्जाम हुआ, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि वो मुझे मेरी टिप्स पे है, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं हंसते खेलते सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात नोट्स बनाओ। अगर आपके पास समय, आप कहोगे सर इतनी छोटी छोटी चीजें तो लिखी है उसमें, नोट्स क्या बनाए, हम सीधा पढ़ ले। देखो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही खतरनाक बुद्धि के बंदे हो, मीन्स सिस्टम हैंग कर दोगे आप, तब तो भैया मत बनो। अगर आप मेरी तरह साधारण स्टूडेंट हो, बिल्कुल लल्लू पंजू किस्म के हो, तो भाई बना लो, ठीक है, काम आएगा नोट्स आपके, अगर समय है आपके पास तो। नहीं है तो उसका अलग इलाज है। समय है तो देखो, समय जिसके पास है या नहीं है, प्रोसेस वही फॉलो करना जो मैं आगे बता रहा हूँ। बस एक बंदा नोट्स बनाएगा, एक बंदा नोट्स नहीं बनाएगा, कुछ लोग हाईलाइट करके ही पढ़ लेते हैं, तो भाई अपनी अपनी क्षमताओं के ऊपर है। भाई मैं बहुत ही दिमागी रूप से गरीब आदमी हूं तो मैं नोट्स बनाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, शुरू करना है स्टार्ट विथ सोशल रिफॉर्म। चैप्टर दिए हुए हैं, राजा राम मोहन राय से शुरू करना है, ठीक है, और कांग्रेस और उसके थोड़े बाद तक आके खत्म हो जाता है उसमें, सर सैयद अहमद खान ये सब खत्म हो, सब कवर हो जाएंगे आपके, सारे लोग कवर हो जाएंगे उसमें, कांग्रेस कब बनी कैसे बनी, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और बीच में इसके साथ आपको क्या ले लेना है, जो इंस्टीट्यूशन बने हैं जैसे महाराष्ट्र, वो मद्रास महाजन सभा, ऐसे करके जो इंस्टीट्यूशन है सबको कवर कर लेना, पहला पहले लेवल पे ये करना है। इससे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि भाई राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किए, सती प्रथा कांत कैसे हुआ, विलियम बेंटिक ने क्या काम किए, ये सब चीजें आपका इनमें कवर हो जाएगी। दिगे कर्वे कौन थे, गोपाल हरि देशमुख कौन थे, ये सारी चीजें ना कि यहाँ पे कवर हो जाएंगी बहुत आराम से। ठीक है, और इट विल टेक अराउंड 5 से 6 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका, बहुत आराम से करोगे तो, बिल्कुल 2-2 घंटा दोगे दोस्तों। उसके बाद जब सोशल रिफॉर्म खत्म हो जाए तब आपको पढ़ना है 1857 का रिवोल्ट, बस फालतू तो कुछ और नहीं पढ़ना, इस रिवोल्ट को पढ़ना है और कुछ भी, कहीं भी कोई उंगली नहीं करनी। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट पढ़ लो खुशी खुशी। ठीक है, यानी आपने सबसे पढ़े पहले पढ़ा आपका
सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर, फिर आपने पढ़ा रिफॉर्म, सॉरी फिर आपने पढ़ा रिवोल्ट, ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे पढ़ोगे 1905 से भारतीय राजनीति 1947 तक, ठीक है, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन से शुरू करना है और देश की आजादी तक पढ़ना है आपको, ठीक है, और केवल आजादी तक, उससे आगे क्यों नहीं वो कभी और डिस्कस करेंगे। बस जितना मैं कह रहा हूं, अगर मुझे फॉलो करते हो ब्लाइंडली करो, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। आजादी, जैसे देश आजाद हो गया, ठीक है, उसके बाद चैप्टर बंद कर दो, नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ और मत पढ़ो, टाइम पास मत करो, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया, काम हो गया आपका, 1947 से आगे नहीं पढ़ना है, इतना ही करना है। इसको पढ़ने में आपके 3-4 दिन लगेंगे, 3-4-5 दिन लग सकते हैं आपके, सब कुछ कवर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, सब कुछ, ठीक है, सारी चीजें कवर हो जाएगी। राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, बेबल योजना, ये क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पता आपके, मैं कह रहा हूँ 10 दिन दे दो इसको, क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ही जरूरी पोर्शन है, 80% सवाल यही चाहते हैं, डीपली पढ़ना है इसको। उसके बाद जब आप ये दोनों कर लेंगे, आप एक कॉन्फिडेंस बनेंगे, फिर पढ़ना अंग्रेजों के टाइम में जो भी रिवोल्ट हुए हैं, एका, कूका, ठीक है, सांथाल, मुंडा, ठीक है, जितने भी विद्रोह हुए हैं सब पढ़ना। 1857 आपने ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया, उसके अलावा जो पार्ट में है, नील विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सब पढ़ना, ठीक है, ताना भगत आंदोलन, सब पढ़ना, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे अंग्रेजों के टाइम पे कौन कौन से रिफॉर्म आए, ठीक है, वो सब अपने आप ही सीक्वेंस में दे रखा है, मतलब रिफॉर्म वाला सीक्वेंस अलग है, मैं काले लेके आया, कौन सी योजना, वुड डिस्पैच क्या था, ये क्या था, टिकटाल सेवा, ट्रेन सेवा, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगी। उसके बाद कौन कौन से आयोग, स्ट्रैची आयोग, ये आयोग, मैकडोनल्ड आयोग, ये आयोग, पील कमीशन, ये जितने कमीशन है सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये दोनों चीजें उसके बाद कवर करना, बड़ी सिक्वेंस से करना। सबसे पहले फिर बता दूं, राजा राम मोहन राय से शुरू करके, फिर उसके बाद आपका, फिर उसके बाद 1857 का रिवोल्ट कवर करना, फिर पढ़ना आपका सबसे जरूरी 1905 से 1947 पढ़ना, फिर रिवोल्ट पढ़ना 1857, सॉरी ब्रिटिश एरिया के दौरान, उसके बाद रिफॉर्म्स पढ़ना, कमीशन पढ़ना, देन आना कि किस गवर्नर जनरल ने क्या किया और उसका क्या कार्यकाल रहा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग से शुरू कर लेना, क्लाइव लाइव के टाइम पे कोई बहुत बड़े तीर तो उन्होंने मारा नहीं है, क्यों, वॉरेन हेस्टिंग से शुरू कर लेना, और उसके बाद कहां तक खत्म कर लेना आपका, माउंट बेटन तक, ठीक है, किसके शासन में क्या काम हुआ, क्या उसने लगाया, क्या उसने हटाया, रिपन लिटन, और अच्छे से कवर करना है रिपन लिटन, इन सब में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, और जैसे हार्डिंग 1, हार्डिंग 2 में हो जाते हैं, मिंटो 1, मिंटो 2 में कंफ्यूजन हो जाती है, तो अच्छे से कर लेना, पेपर में आता है, ठीक है। जब ये सब हो जाए तो चाहे तो आप यही रोक दो, आपने 90% कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो 100% करना चाहता हूँ, एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा, तब आपके पास अगर समय बचे तो अराइवल ऑफ पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों के आगमन से लेके द बैटल ऑफ बक्सर यहां तक कवर कर लेना, यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जो अलाहाबाद की संधि हुई थी वहां तक कवर कर लेना, ठीक है, इतना करना है बस। इसके अलावा तो फिर जो बाकी जितने पेजेस है सब हमारे लिए यूजलेस है। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी पीछे के पेज पढ़ लो, अरे बेटा आगे की पेज ही पढ़ लेना, पिछला पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो इतना ही कर लो सिर्फ, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। और अगर आपको लिटरली में मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को कर दो लाइक, ठीक है, चैनल को कर दो शेयर दोस्तों या दोस्ती आदि में, सब्सक्राइब करो बिल्कुल तबीयत से, धुआंधार तरीके से सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि उसके कोई पैसे तो लगते नहीं है, दबा लो, ठीक है, ताकि आपका ये गरीब दोस्त, मास्टर, जो भी समझना है मानो, ठीक है, आप लोगों के लिए और भी नई नई तकनीक लाता रहे पढ़ाने की, ठीक है, तो धन्यवाद, और अगली वीडियो में मिलेंगे। हाँ, ये वीडियो मैं फिर बता दूं, केवल यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं है, बीपीएससी वालों तुम भी देखो, और यूपीपीसीएस वालों तुम भी ऐसे ही पढ़ो, बाकी सारे लूसेंट ही पढ़ लो तब भी हो जाएगा।